राई और हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए। सबसे पहले मछली को अच्छे तरह से धोकर पीस कर लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने किया है। उसके बाद उसके ऊपर नमक दीजिए, थोड़ा हल्दी डालिए, हाथों से अच्छे तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। मछली में मैंने नमक हल्दी अच्छे तरह से लगा दिया। गैस ओवन जला लीजिए, उसके ऊपर प्रेशर कुकर बिठा दीजिए। कुकर को अच्छे तरह से गर्म कर लीजिए। गर्म हो गया, अभी इसमें तेल डालिए। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो गया, इसको हिला लीजिए। तेल के अंदर थोड़ा सा नमक डालिए। ये नमक जो है ना, मैंने इसलिए डाला क्योंकि बर्तन के अंदर मछली चिपकेगा नहीं। करंजी डालिए, हिला लीजिए। अभी इस पे मछली डालिए। इस करके सब मछली को इस तरह से मछली के पीस इसके अंदर खड़ा दीजिए। मछली को मीडियम फ्लेम में इसको बनाना होगा। अभी इसमें हल्दी डालिए, हरी मिर्च, राई का जो पेस्ट है अभी इसमें डाल दीजिए। इसको अच्छे तरह से हिला लीजिए। इस तरह से अभी इसमें नमक डालिए स्वाद अनुसार, फिर हिला लीजिए। अभी इसमें पानी डालिए। अभी इसको हिला लीजिए। इसके अंदर हाथा इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह से धीरे धीरे हिलाना पड़ेगा। हरी मिर्च को तोड़ के डालना पड़ेगा इस तरह से। देखिए कुकर को बंद कर दीजिए। इसका सीटी लगा दीजिए। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट हो गया, फ्लेम को बंद कर दीजिए। ढक्कन खोल दीजिए। सरसों का इलिश रेडी हो गया। मुझे ये बनाने में 5 से 10 मिनट लगा। कुकर के अंदर ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने कुकर के अंदर बनाया। आज का रेसिपी सरसों का इलिश रेडी है। Yeah.